और एक्सटर्नल डायमेंशन 9 कहीं है, और आज वो बढ़ के 9 हुई है एक्सटर्नल डायमेंशन। तो इंटरनल डायमेंशन को भी हमने रिडिफाइन किया है। पहले जो अपन कहते थे कि अपने घर वालों को जोड़ो, अब घर वालों को जोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, पहले कहते खुद को जोड़ो, ठीक है ना। फिर दूसरी डायमेंशन में आता है अपने घर वालों को जोड़ो, फिर अपने मित्रों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, फिर अपने सर्कल के लोगों को जोड़ो। और इनको जोड़ते वक्त ये ध्यान रखो कि जो स्वार्थी खुदगर्ज विद्वान लोग हैं, जो अपने लिए जीते हैं, उन्हें पत्थर मान के जैसे ही एहसास हो जाए कि वो पत्थर हैं, तो बिना इस बात का ध्यान दिए कि साहब चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं, आप उस बात को भूल जाइए। उनसे कहिए आप तो बहुत विद्वान और विवेकशील हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो निर्णय लीजिए, लेकिन हमें अपनी एनर्जी को बचाना है। हमारी अपनी एनर्जी बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस एनर्जी को बचा के हम जब दूसरे से बात करेंगे तो हमें उसके ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो ये तो हो गई इसको सर इंटरनल और भी डायमेंशन। आसान शब्दों में आप सबको ये बता सकते हो कि जब आप कहीं किसी भी रास्ते पे पैदल चल रहे होते हो ना, तो रास्ते में पत्थर क्या कीचड़ भी आता है, पत्थर भी आता है, गड्ढे भी आते हैं, तो आप कभी गड्ढे में से गुजर के नहीं जाते या कीचड़ में अपना पैर गंदा करके नहीं जाते, आप उससे बच के निकल जाते हो और जो साफ साफ रास्ता होता है ना, उसी पे पैर रख के आगे बढ़ जाते हो। बस वही करना है और कुछ नहीं। विकास, आपने बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में बात कही है इससे, और बहुत ही बिल्कुल प्रायोगिक बात कही है, प्रैक्टिकल बात कही है कि हम जब रास्ते से निकलते हैं और ढेर सारे उबड़ खाबड़ पत्थर पड़े रहते हैं, बस केवल ये बताना है कि वो पत्थर विद्वान हैं, इस समाज में उन्होंने अपना एक आभामंडल बना हम के रखा उछल है। उछल के रास्तों में अच्छे स्पॉट ढूंढ के उछल उछल के उनपे कूद कूद के आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट, मतलब हम कभी उसमें फंस के नहीं रह जाते। बिल्कुल ठीक कहा। तो वही बात ये हमें करना जीवन का है मूल कि सिद्धांत है। ये खुदगर्ज और सिद्धांतों के जो है ना, खुदगर्ज विद्वान लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं, उन्हें पत्थर मान के उनसे बचते हुए आगे निकलिए और अपनी एनर्जी बताइए जिससे आपकी यात्रा जल्दी हो सके। तो अभी हमने बिल्कुल आज ही इसकी 9 डायमेंशन एक्सटर्नल डायमेंशन बनाई है, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। डू यू हैव टाइम? हाँ, बताइए। हाँ आपके पास समय हाँ अभी है। है? तो पहली डायमेंशन है कि युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ना है। तो हमने एक पूरी विंग बनाया है, वो हर हमने अपने जो स्टेट लेवल के ऑफिसर और जो बाकी ऑफिसर से भी अनुरोध किया है कि वो 2-4-5 की सूची बनाए, फिर उन 2-4-5 से चर्चा करके पूरी विंग को बनाए, जिसमें नेशनल स्तर पे, स्टेट स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे उनकी सूची उनके हिसाब से बनाए। हम उनको तत्काल जैसे ही वो जुड़ेंगे हम उनको प्रोविजनल अधिकारी घोषित कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उनको जो है हर स्कूल कॉलेज में जाना है, पहले प्राचार्य और अध्यापकों को जोड़ना है, फिर सदे हुए क्रम में एक एक क्लास की अलग अलग क्लास लेना है। वो बड़ा या पूरे स्कूल की मीटिंग ले ली वैसा नहीं करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1-to-1 संवाद हो, आंख से आंखों का मिलान हो, और बच्चों को, विद्यार्थियों को, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के हों, उनको हम अंदर से जागृत कर सकें, उनसे उनको अंदर से ऊर्जागृत करके यदि हम उनको जोड़ेंगे तो वो भविष्य के चंद्रगुप्त बनेंगे और भविष्य के जो है ना भारत के भाग्य विधाता भी बनेंगे। तो एक तो विधा हमने अभी विद्यार्थियों वाली और एकेडमिक्स वाली जोड़ी है आज। बहुत ही दूसरा जो अच्छा। है, हमने पंच और सरपंच वाली विधा भी जोड़ी है। तो जो पंच और सरपंच वाली विधा है, इसमें जो है हमने ये देखा है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसे आज की राज्य सरकारों ने जो है ना कुंठित करने की कोशिश की है, और संविधान की व्यवस्था के विपरीत ये उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमें जो है ये पंच और सरपंच पार्षदों को भी एक पूरी लिखित उसके उसके साथ एक एक विधा के तहत उन्हें डेवलप करना है, तो उनको जो है ना भी हम जोड़ पाएंगे। तो ये हो गई सेकंड विधा। थर्ड विधा में हमने किसानों के लिए रखी है, ठीक है ना। चौथी विधा हमने मजदूरों के लिए रखी है। पांचवी विधा हमने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के लिए रखी है, क्योंकि आज ही ये विधा जारी की है, और हमने उसमें ये महसूस किया कि जो पॉलिटिकल वर्कर है वो तो सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटेड लॉट है। एक पॉलिटिकल वर्कर जो है वो वर्षों वर्ष मेहनत करता है, और ये दुष्ट राजनेता अपने जो है पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चों को टिकट दे देते हैं उनका हक मार के।
दूसरी पार्टी से जो अपने लाभ के लिए लोग आते हैं उनको टिकट देते हैं, तो किसको किसका हक मारते हैं? अपने पॉलिटिकल वर्कर का। जो ज्यादा बिल्कुल पैसा देता है यदि उसको टिकट देते हैं तो किसका हक मार रहे हैं? पॉलिटिकल वर्कर का। जाति और धर्म के आधार पर कुछ समीकरण बनाकर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं तो किसका हक मार रहे हैं? अपने कार्यकर्ताओं का। अपराधियों को जो ना टिकट दे रहे हैं तो जो इनोसेंट कार्यकर्ता है उनका हक मार रहे हैं, और ये इन्हीं 5 लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो जो सही वर्कर है, जो सही पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, वो तो हर पार्टियों के द्वारा उसे शोषित किया जा रहा है। तो मेरे जेहन में ये बात आई कि क्यों ना हम संगठित रूप से हर पार्टी के वर्कर्स को जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत तो मिशन है, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल है नहीं, राइट? केवल जो है जब चुनाव, जब जो है इन आसुरी शक्तियों को पराजित करने की स्थिति आएगी, केवल उस समय वो है एक राजनीतिक स्वरूप धारण करेगी, और वो स्वरूप भी सीमित रहेगा केवल टिकट बांटने का, राइट? क्योंकि वो एक औपचारिक प्रक्रिया है, बिना उसके आधार पर जो है ना वो कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं होंगे, सिर्फ सीट बांटी जाएगी, बाकी सब मिशन के सदस्य होंगे, ठीक है ना? और ये विधायक और सांसद का किसको मिलेगा टिकट? बिना खर्च किए हुए आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितने लोगों को जोड़ेंगे, जिसके हाईएस्ट पॉइंट होंगे और उसका आपराधिक रिकॉर्ड और कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी, तो उसको गारंटी के साथ विधायक या सांसद का टिकट मिलेगा। और फिर जो है उससे जुड़े हुए जो 100 करोड़ लोग हैं, वो अपने छत पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर, और हर दिन जिस दिन जो है ना हम उसको टिकट देंगे और जिस दिन उसका चुनाव होगा, उस दिन तक हर दिन उस क्षेत्र के सभी लोग जो है थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने प्रतिनिधि का संकल्प लेंगे, तो क्या ये दुष्चरित्र के छदम, काले चरित्र के लोग क्या जो है ना जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो हमने, मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता चाहे किसी भी उसके हों, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको जो है यदि हम मिशन से जोड़ेंगे तो हम इनके जो है ना उसका वो लाभ भी मिलेगा, और इनके सामने दो ऑप्शन रहेंगे। ये चाहे तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का है, यदि वो पॉलिटिकल पार्टी इनकी जो है ना इनको टिकट देने के लिए तैयार हो जाती है, और यदि इनको लगता है कि इन्हें लाभ पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो वहां चले जाएं, यदि वो पॉलिटिकल पार्टी का टिकट पर लड़ना चाहेंगे तो हम उनके नीचे वाले व्यक्ति को टिकट दे देंगे, ठीक है ना? हमारे साथ रहेंगे तो बिना चुनाव खर्च के जीत पाएंगे, केवल संकल्प शक्ति के आधार पर जीत पाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहेंगे तो सामने के सामने पहले टिकट मांगने के लिए मिन्नत करना पड़ेगी, और बाद में जो है जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ेंगे। तो ये हम जो है इन लोगों के विवेक पे छोड़ देते हैं। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू वो है, वो पॉलिटिकल विंग है, जो कि सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने के लिए बड़े संगठित ढंग से प्रयास करेगी। ये थर्ड डायमेंशन हमने जोड़ी है। फिर जो चौथी डायमेंशन है वो किसान की है। तो आज किसान काफी कुछ संगठित हो गया है इन 3 एक्ट के कारण, भला हो किसान संगठन होने का, नहीं तो ये कैपिटलिस्ट जो है किसानों के गला घोट लिए होते, ये एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की स्थिति निर्मित हो गई होती। तो ये भला हुआ कि जो है शासन को भी कुछ विवेक आ गया, कुछ उसका पॉलिटिकल जो है ना स्वार्थ भी आ गया, कि ये 3ों एक्ट जो है ना खत्म हो गए, और इसके एवज में किसान जागृत होकर संगठित हो गए हैं। लिहाजा किसानों को क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ने का और उन्हें चंद्रगुप्त बनाने का, और जो यदि अपनी सामर्थ्य के आधार पर जो है यदि वो ज्यादा से अधिक लोगों को मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से जोड़ पाएंगे, और यदि वो उन्हें जोड़ पाएंगे तो वो विधायक भी बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरीके से चौथी विधा किसानों की है। ऐसे ही पांचवी जो है विधा है वो मजदूरों की है। तो लेबर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, जहां वो रहते हैं हमारे लोग जो है उनकी जगह पे जाके उनसे बातचीत करेंगे, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ चाय पियेंगे, उनके त्योहारों में सम्मिलित होंगे। तो मुझे लगता है कि हम मजदूरों को, जिन्हें की क्राइम फ्री भारत मिशन में मिनिमम 50,000 पर मंथ की जो है गारंटी रहेगी, और यदि वो चार परिवार में चार सदस्य कमाने वाले हैं, चार चार सदस्य यदि मजदूर हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा पाएंगे। तो पांचवी विंग जो रहेगी वो मजदूरों को, लेबरर्स को जो है इंटीग्रेट करने के लिए रहेगी। छठवीं जो विंग है वो वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नागरिकों की है। तो वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी संगठित उसके एक कहना चाहिए, बड़ी सोची समझी जो है ना उसके तहत उनको जोड़ा जाएगा।
इसके लिए जो पार्क में वो घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, उनकी सूची बना के वहाँ पर हम जो है ना उनसे पहले 2-3-4 दिन जुड़ाव करेंगे और फिर उनको इस मॉडल को समझाएंगे और उनकी एनर्जी को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जो है ना छठ में जो है ना वो वरिष्ठ अधिकारी हो गए हैं। सातवें में हम जर्नलिस्ट को जोड़ना चाहेंगे। जर्नलिस्ट जो कभी फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहे जाते थे, आज वो जो है उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनकी कलम और आवाज दोनों ही गिरमी हो गई है। इन्हें जो है ना मालकों ने और ये राजनीतिक पार्टियों ने अपना गुलाम बना लिया है। तो हर किसी को पेट पालना है, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो जो और कुछ सूरमा बने, सूरमा बनेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन उसके साथ क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा भी बने। यदि वो क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बनेंगे तो बड़ी आसानी से, क्राइम फ्री भारत मिशन का यदि वो हिस्सा बनेंगे तो बहुत ही आसानी से वो अपनी उन चीजों को पूरा कर पाएंगे जो वर्तमान परिस्थितियों में वो वहां नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐप के माध्यम से वो चीजें पब्लिक को परोस भी पाएंगे, उनको किसी पेपर का, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत नहीं रहेगी, और वो उसके साथ साथ जो है ना लोगों को जोड़कर खुद अपने आप को चंद्रगुप्त शायद साबित करके अपने को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बना पाएंगे। ऐसा जो है ना सब कुछ संभव हो पाएगा। तो जो छठवीं जो विधा है वो हमारे पत्रकारों की है, फिर सातवीं विधा है वकीलों की, बल्कि आठवीं विधा जो है वो वकीलों की है, और नौवीं विधा में हमने अब साधु संतों को भी लिया है। और जो वकील हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजों के कानूनों को आउट ऑफ द बॉक्स क्राइम फ्री भारत की जो है ना अलाइनमेंट में वो ड्राफ्ट कानून तैयार करके रखेंगे, जिन पे कि पब्लिक डिबेट के बाद उन्हें स्वयं जो है पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर उन्हें कानून के रूप में बनाया जाएगा। और उनको जो है बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है ना, अभी देखो आप जो ना वकीलों को, आई डोंट नो आपने कितना देखा है कि नहीं देखा है, वो बेचारे हाई कोर्ट या वहाँ बहुत बुरी स्थिति में, जिला कोर्ट में बहुत बुरी स्थिति में छोटे स्थान पे बैठते हैं, उनकी हालत बहुत दयनीय होती है। अब जो है इस व्यवस्था के तहत उन्हें अपने घर से ही जो है बिना कोर्ट जाए वो कोर्ट की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे, उन्हें अपने मुवक्कल से फीस नहीं लेना होगी, वो फीस क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम देगी, और क्राइम फ्री भारत के जो रेवेन्यू स्ट्रीम जो विभिन्न लोगों को बटेगी, तो विक्टिम को भी रेवेन्यू मिलेगा, इविडेंस देने वाले को भी रेवेन्यू मिलेगा, डिफेंस लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगा, प्रोसिक्यूशन लॉयर को भी रेवेन्यू मिलेगा, तो हर व्यक्ति को रेवेन्यू, जज को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो सैलरी का एक छोटा हिस्सा रहेगा, बड़ा हिस्सा रेवेन्यू स्ट्रीम से आएगा, और रेवेन्यू स्ट्रीम का जो सम टोटल है इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। तो अपराधी की सजा के 2 कंपोनेंट होंगे, सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू जो अभी स्ट्रीम जुड़ी जो बटी है उनका पैसा इकट्ठा होगा, लिए काटा जाएगा उसे, और दूसरा उसे जेल जाना होगा। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जो आर्थिक लाभ के लिए अपराध हो रहे हैं उसमें इम्प्रिजनमेंट के कंपोनेंट को कम करके कंपाउंडिंग का कंपोनेंट बढ़ाएंगे, जिस और वो भी जो है ना 30 दिन के अंदर जो है ना उन्हें सजा मिल जाएगी, तो द वेरी इंसेंटिव टू कमिट क्राइम विल वैनिश। और फिर हम चूंकि सभी अपराधियों के बारे में 360 डिग्री में जान रहे हैं, तो हम उन्हें सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट भी कर देंगे। और अभी जो हम संज्ञेय अपराधों की बात कर रहे हैं, यही काम हम जो है असंज्ञेय अपराधों के साथ करेंगे, और जो सिविल ऑफेंसेस हैं वो भी 30 दिन की अवधि में होंगे, और उसके लिए हम जो है इन वकील साथियों का यूज करेंगे, और उन्हें इतना रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा जो भारत का हर नागरिक जो है ना समृद्ध होगा, तो वकील तो उससे बड़ा समृद्ध होगा। लिहाजा